नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। राजस्थान लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की सीरीज चल रही है। आज का अपना टॉपिक है जैव विकास एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व है। सेकंड पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के संश्लेषणात्मक सिद्धांत के संबंध में पुस्तक जेनेटिक्स तथा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डी ब्रिज ने, हेल्डन ने, मॉयर ने, डोबजेनिक्स ने, डोबजेनिस्की ने, किसने लिखी? तो किसने लिखी दोस्तों ये पुस्तक? ये लिखी डोबजेनिस्की। सेकंड क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज वो वायरसों का संगठन है। केवल प्रोटीन, केवल डीएनए, न्यूक्लियो प्रोटीन, कार्बन व नाइट्रोजन। तो देखो, बैक्टीरियोफेज वो वायरसों का संगठन कौन है? न्यूक्लियो प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई? चेचक की, इन्फ्लुएंजा, टीएमवी, या इनमें से कोई नहीं? तो सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई दोस्तों? टीएमवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन मत किस पर आधारित है? कृत्रिम संश्लेषण, जैव उद्विकास, रासायनिक उद्विकास, उपयुक्त सभी। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन मत किस पर आधारित है? कृत्रिम संश्लेषण, जैव उद्विकास, रासायनिक उद्विकास, या उपयुक्त सभी पर? तो किस पर आधारित है? रासायनिक उद्विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व जीवन की उत्पत्ति के समय आदि वातावरण में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं था? हाइड्रोजन, जल, कार्बन, ऑक्सीजन। कौन सा विद्वान था दोस्तों? ऑक्सीजन। स्वतंत्र रूप से विद्वान नहीं था जीवन की उत्पत्ति के समय। ऑक्सीजन आजीवात जीवोत्पादन है। निर्जीव से जीव की उत्पत्ति, जीव से जीव की उत्पत्ति, वायरस व सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति आजीवात जीवोत्पादन है। कौन सा है इनमें से? स्वतः जनन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास नहीं होता, जैव विकास नहीं होता यदि सदस्य उपार्जित लक्षणों को संतानों में नहीं पहुंचा पाते, देहिक विभिन्नताएं न होती, आबादी में सदस्यों के बीच जीन विभिन्नताएं नहीं होती, जीन विभिन्नताएं न बन पा जाती। कब नहीं होता जैव विकास? जब आबादी में सदस्यों के बीच जीन विभिन्नताएं नहीं होती, तब जैव विकास नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वर्णवाद सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए डार्विन प्रभावित हुआ? कोशिका सिद्धांत से, मेंडल के नियम से, मॉल्थस के जनसंख्या निबंध से, या उपयुक्त सभी से? किससे हुआ डार्विन प्रभावित? मॉल्थस के जनसंख्या निबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन द्वारा जाति की उत्पत्ति, पुस्तक का प्रकाशन 1859 में किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था दोस्तों? लेमार्क, डार्विन, वेलेस, या ओपेरिन? तो यह जो पुस्तक का प्रकाशन 1859 में हुआ था, ये डार्विन ने किया था। भारत के प्रथम विख्यात पेलियो बोटनिस्ट या पेलियोन्टोलॉजिस्ट थे? एस आर कश्यप, बी पी पाल, बी साहनी, या पी माहेश्वरी? तो कौन था? बी साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक उद्विकास, पेलियोजियोग्राफी, पेलियोन्टोलॉजी, हर्पेंटोलॉजी। जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्बनिक उद्विकास में, या पेलियोजियोग्राफी में, या पेलियोन्टोलॉजी में, या हर्पेटोलॉजी में? किसमें किया जाता है? पेलियोन्टोलॉजी में। संजात अंग होते हैं उत्पत्ति एवं संरचना दोनों असमान, उत्पत्ति एवं कार्य समान, उत्पत्ति समान परंतु कार्य समान असमान,
उत्पत्ति असमान एवं कार्य समान। तो समझाता कौन से होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो समान होती है, जात जिनके एक साथ उत्पन्न होते हैं, उत्पत्ति समान परंतु कार्य असमान, वो क्या कहलाते हैं? समझाता कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य से सीधा संबंधित है रीसस, ओरेंगुटान, गोरिल्ला या गिब्बन। मनुष्य से सीधा संबंधित कौन सा है इनमें से? रीसस, ओरेंगुटान, गोरिल्ला, गिब्बन। तो मनुष्य से सीधा संबंधित है गोरिल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक ड्रिफ्ट किसमें होता है? छोटी पृथक्कृत समष्टि में, जीव जनन करने वाली समष्टि में, धीमा जनन करने वाली समष्टि में, या बड़ी पृथक्कृत समष्टि में? तो देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है छोटी पृथक्कृत समष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। किसी जीव उद्विकासीय इतिहास को क्या कहते हैं? पूर्वजता, जातिवृत्त, जीवाश्म विज्ञान, व्यक्ति वृत्त। क्या कहते हैं? जाति वृत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें एक छोटी सी पूंछ है, बताइए यह किसका उदाहरण है? एक बच्चा पैदा हुआ जिसमें एक छोटी सी पूंछ है, बताइए यह किसका उदाहरण है? पूर्व जनुरुपात, पूर्वज अनुरुपात, या फिर उत्परिवर्तन, इसको म्यूटेंशन कहते हैं, प्रतिगामी विकास, या कायांतरण? किसका है ये दोस्तों? किसका लक्षण है ये? किसका उदाहरण है? पूर्व जानुरूपात। अधिकांश जीवाश्म पाए जाते हैं काली मिट्टी में, ज्वालामुखी के लावा में, ग्रेनाइट चट्टानों में, स्तरित चट्टानों में। किसमें पाए जाते हैं? स्तरीय चट्टानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड प्रथम लागू हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, पंचम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें लागू हुआ दोस्तों ये डेयरी विकास ऑपरेशन फ्लड प्रथम लागू किसमें हुआ? सबसे पहले पंचम पंचवर्षीय योजना में। ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, गोपाल कृष्ण, या इनमें से कोई नहीं? ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता कौन है? वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, गोपाल कृष्ण, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, वर्गीज कुरियन क्या है? ऑपरेशन फ्लड के जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, या कोटा में? तो यह है जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। शल्क लाख किससे उत्पादित होती है? शल्क लाख किससे उत्पादित होती है? नर लाख के कीड़े से, वयस्क मादा लाख के कीट से, लेक ओपेरोन से, लाख के कीट के लार्वा से। जो शल्क लाख होती है वो किससे उत्पादित होती है? नर लाख के कीड़े से, या वयस्क मादा लाख के कीट से, लेक ओपेरोन से, या लाख के कीट लार्वा से? किससे होती है दोस्तों? वयस्क मादा लाख के कीट से होती है शल्क लाख। भारत में स्तनधारी जंतुओं की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 210, 415, 303, या 390? कितनी पाई जाती है दोस्तों? भारत में स्तनधारी जंतुओं की प्रजातियां कितनी पाई जाती है? 390। दलहनों का राजा कहा जाता है मटर को, चने को, मसूर को, या उड़द को? दलहनों का राजा किसे बोलते हैं? दालों का राजा, मटर को, चने को, मसूर को, या उड़द को? तो चने को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्प क्रम से प्राप्त प्रमुख सब्जी है? पुष्प क्रम से प्राप्त प्रमुख सब्जी है पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, या टमाटर? पुष्प से जो सब्जी प्राप्त होती है ना, उनमें प्रमुख सब्जी कौन सी है? पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, या टमाटर? तो कौन सी दोस्तों?
फूल गोभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खियों की एक छत्ते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती है? 3 प्रकार की, 4, 2 या 5? तो कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, मत्स्य पालन में मछलियों के लिए कौन से जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं? चिकनी मिट्टी वाले जलाशय, लाल मिट्टी वाले, दोमट मिट्टी वाले या काली मिट्टी वाले? मत्स्य पालन में मछलियों के लिए कौन से जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छे माने जाते हैं? चिकनी मिट्टी वाले, लाल मिट्टी वाले, दोमट मिट्टी वाले या काली मिट्टी वाले? तो चिकनी मिट्टी वाले जो होते हैं वो मत्स्य पालन के लिए अच्छे जलाशय माने जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सेकेंड पार्ट था जय विकास का, ये उसके 26 क्वेश्चन थे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।